अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अली खान ऑटो कंपनी। आप देख रहे हैं इस टाइम पे अली खान ऑटो कंपनी यूट्यूब चैनल, और हम लोग जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल। इसमें डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मोस्ट पॉपुलर टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट अली खान ऑटो कंपनी पे अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश स्टॉक आ चुका है और इसमें कुछ चेंजिंग्स भी आई हैं। 100cc रमजा की पेट्रोल स्कूटी अवेलेबल है इस टाइम स्टॉक में, और आपके सामने कलर्स अवेलेबल हैं जिसमें ब्लैक, रेड, व्हाइट और बेबी पिंक भी आपको मिल जाएगा। तो कर लेते हैं स्टार्ट आज के इस रिव्यू को और खत्म करेंगे इसकी प्राइस के साथ, क्या इसकी प्राइस है और क्या आप डिस्काउंट हमसे अवेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के रिव्यू को इस रेड कलर के साथ। आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत, और इसकी जो फिनिशिंग है, इवन दैट इसकी जो पेंट जॉब है, पेंट क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को स्टार्ट में ही बताता है, चलो ये 100cc रमजा स्कूटी है, मोस्ट पॉपुलर मॉडल है और इस टाइम पे हॉट फेवरेट है, बहुत लोग इसको लाइक करते हैं। उसकी खूबी क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कि ये इटालियन स्टैंडर्ड्स पे, इटालियन प्लांट पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसको न्यू एशिया कंपनी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इजीली पाकिस्तान में इसके, या आप देख रहे हैं बॉडी पे जितने पार्ट्स हैं, A to Z जितने पार्ट्स आपको इस टाइम बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको एक एक नट बोल्ट पार्ट इसका मिल जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये मेटल बॉडी में है, आप इस साउंड से सुन सकते हैं, पता चल सकता है कि ये एक मेटल बॉडी में स्कूटी है। इससे पहले पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी स्कूटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात करूं, जो मेटल बॉडी में हो, सिवाय रमजा के, जो कि न्यू एशिया कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रही है इटालियन प्लांट पे। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ मेन चीजें मैं आपको जो कि पहले बता देना चाहता हूं, 2 ईयर्स इसकी फ्रेम वारंटी मिल जाती है, 1 ईयर इसकी आपको इंजन वारंटी मिल जाती है, 6 मंथ्स इसकी कोई भी पार्ट जो कि खराब हो जाता है वो उसकी आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है, और इसके साथ साथ आपको 6 मंथ्स अली खान ऑटो कंपनी की तरफ से फ्री सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज आपको अली खान ऑटो कंपनी में मिल जाता है। तो 100cc इस स्कूटी की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, अब हम आपको बताते हैं और ले चलते हैं आपको इसके मीटर की जानिब और बताते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले तो इसके मीटर के ऊपर ये रैपिंग हुई हुई है, शीट इस पे लगी हुई है, क्रिस्टल क्लियर मीटर है आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास इसमें किलोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल बार्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें पेट्रोल कम होने पे रिजर्व लाइट का ऑप्शन हमें मिल जाता है, और जो इसका मीटर है एनालॉग मीटर, इसमें हमारे पास किलोमीटर्स और माइल्स में मीटर भी रीडिंग मिल जाती है। 140 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है, इसकी स्पीड को इनहांस और रिड्यूस किया जा सकता है, और माइल्स में देखें तो 90 माइल पर आवर इसकी टॉप स्पीड ये देने की सलाहियत रखती है। हैंडल के ऊपर अपने व्यूअर्स को बताते चले जो हमारे पास ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, इसमें हमारे पास लाइट का ऑप्शन है, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है, और लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास इसके अंदर लाइट हाई लो का ऑप्शन है, हॉर्न का ऑप्शन है और इंडिकेटर्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है। राइट साइड पे जो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को मैं दोबारा से बताता चलूँ कि जब भी आपने बाइक को सेल्फ स्टार्ट करना है तो लेफ्ट या राइट हैंड साइड की आपने 1 टाइम ब्रेक प्रेस करनी है। ब्रेक प्रेस करने के बाद आप इस सेल्फ के बटन को प्रेस करने से इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका सेंसर लगा होता है ब्रेक्स के साथ, जब तक आप इसकी ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे ये स्टार्ट नहीं होगी। फ्रंट हेडलाइट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर इसमें एलईडी बल्ब इंस्टॉल्ड है, और बहुत ही खूबसूरत ब्राइट लाइट हमें मिल जाती है। साथ ही साथ डिम में भी हमें व्हाइट कलर की इसका बल्ब मिल जाता है, जिसमें आप DRL के पर्पज पे भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको इसके फंक्शंस बताएं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास हाई लो का ऑप्शन हमें मिल जाता है, इसी के साथ ऑन का ऑप्शन मिलता है, और लास्ट में हमारे पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। इसी के साथ साथ अपने व्यूअर्स को बताते चले स्टोरेज बॉक्स के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास इसमें एक स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है, जो कि फ्रंट साइड पे है। इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, तो हमारे पास इसमें एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जहां पे हम अपना सेल फोन वगैरह इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या कोई जरूरी सामान भी कैरी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरमगान भाई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन मिल जाता है, जिससे आप इसके टाइम को सेट कर सकते हैं और मीटर पे दिए गए ट्रिप को रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। इसी के साथ आपको हैंडल लॉक करने का तरीका भी बता देते कि आपने इसका हैंडल कैसे लॉक करना है। हैंडल को लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करना है, कीज को इंसर्ट करना है, हल्का सा पुश करना है, और लेफ्ट साइड पे आप इसको जैसे ही रोटेट करेंगे आपका हैंडल लॉक हो चुका है।
ठीक इसी तरह कीज को पुश करने के साथ राइट साइड रोटेट करने पे आप इजीली हैंडल इसका अनलॉक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो इसकी स्टोरेज स्पेस है वो भी आपको बताते हैं कि आपने इसका बैक बूट कैसे ओपन करना है और आप इसकी स्टोरेज देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी चाबी है हमारे पास, यहाँ पर इसने इसको रोटेट करना है आपने और इसका बूट ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले न्यू एशिया का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर इसकी हमें वारंटी बुक मिल जाती है, ओनर्स मैनुअल बुक मिल जाती है और इसी के साथ साथ हमें फ्री सर्विस कूपन्स, वारंटी सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी बड़ी है, इसी के साथ आपको मिल जाती है टूल किट। इसके बैक साइड पे हमारे पास ये बैटरी का ऑप्शन है, यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल्ड है। जब आप इसको सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो बैटरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है इसी की मदद से आप इसको सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक इसी के साथ हमारे पास फ्यूल टैंक का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। ये इसका फ्यूल टैंक कप है जो कि हमने इस टाइम रिमूव कर दिया है। इसका 7.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है और ये 1 लीटर में आपको 35 टू 45 किलोमीटर माइलेज भी देती है। तो इसको हम लोग पैक कर देते हैं, मजीद बताते हैं। सिटिंग कैपेसिटी फॉर 2 पर्सन है, इजीली 2 बंदे इस पे बैठ के स्कूटी को राइड कर सकते हैं। फोम इसका जो सीट का है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, नर्म फोम है और आप इस पे बैठ के जो आपकी लेग स्पेस है वो देख सकते हैं कि अच्छी खासी ज्यादा है। अगर साइड से अरमगान आपको दिखाएं तो हमारे पास एक अच्छी खासी स्पेस भी हमें मिल जाती है, हम यहाँ पे मतलब इजीली बैठ सकते हैं। जो पिलियंस हैं, जो पीछे बैठने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है, जो पीछे बैठेगा वो यहाँ पे अपने पांव इजीली रख सकता है। बैक लाइट आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। बैक लाइट इसमें हमारे पास एलईडी बल्ब इसमें मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी बैक लाइट है, बिल्कुल प्राइमावेरा के जैसे। और रियर इंडिकेटर आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में फिट हुए हुए हैं और इसकी जो शेप और इसके एरोडायनामिक्स, जो कंपनी ने इसकी जो मोल्डिंग बनाई हुई है, नेक्स्ट लेवल है। इसी के साथ साथ हमें क्रोम प्लेटेड आपको इसमें क्रोम का काम काफी नजर आएगा, जो कि इस स्कूटी को कॉमन वर्डिंग में बात कर लीजिए तो 4 चांद लगाते हैं। ये क्रोम प्लेटेड इसके साइड पे जो फिन्स मिल जाते हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और साइड पे रिफ्लेक्टर्स भी हैं कि उस साइड से आने वाली गाड़ी या कोई भी देख सकता है कि इस साइड पे कोई प्रोडक्ट खड़ी हुई है या कोई जा रहे है, तो आपको किसी हादसा से भी बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए, मैंने जैसा कि बताया था कि आप इसको सेल्फ स्टार्ट प्लस किक स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका किक का ऑप्शन है जिसपे आप किक करके भी अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसमें फिल्टर बॉक्स मिल जाता है, जब आप इसको 2-4-5 हजार किलोमीटर राइड करते हैं और उसके बाद आपने इसका फिल्टर चेंज करना होता है। इसी के साथ साथ अगर टायर साइज के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो हमें जो इसके टायर साइज है वो यहाँ पर मेंशन है, 10 इंच टायर साइज मिल जाता है जो कि ट्यूबलेस टायर्स हैं। इसकी ब्रेक के हवाले से अगर अपने फ्रेंड्स को बताते चले तो हमें इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है जो कि एडजस्टेबल है। साइड स्टैंड के हवाले से अगर बताएं तो डुअल स्टैंड भी हमें मिल जाता है और सिंगल साइड स्टैंड भी हमें मिल जाता है, आप इसको सिंगल साइड स्टैंड पे भी खड़ा कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर ले चले आपको तो हमारे पास इसका जो मफलर है वो भी अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि जो राइट साइड पे हमारे पास इसका मफलर है, एग्जॉस्ट है, क्रोम प्लेटेड फिनिशिंग के साथ है, ब्लैक मैट कलर में है, नॉइस एमिशन कंट्रोल एग्जॉस्ट है। आप बिल्कुल जब इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो बिलीव मी आपको इसका बिल्कुल भी साउंड फील नहीं होगा। रियर मड गार्ड के हवाले से अगर बताएं तो बहुत ही बेहतरीन इसमें मड गार्ड और इसके साथ साथ बैक रियर टेल भी इंस्टॉल्ड है। मजीद इसके साथ साथ हमें इसकी रियर लाइट भी मिल जाती है जो कि नेम प्लेट पे थ्रो की जा रही है, जो कि आपकी नेम प्लेट नंबर प्लेट को ब्राइट कर देती है, इजी टू रीड आप कर सकते हैं। इस साइड पे मजीद अपने फ्रेंड्स को बताते चलें कि यहाँ पे आपको ऑयल गेज मिल जाती है जहां पे आप इसका ऑयल इजीली चेक कर सकते हैं। इसका ऑयल अगर आप इस टाइम पे आपको बताएं तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, इस पे 700 और 750 ml ऑयल इसमें डाला जाता है, इसमें कंपनी की तरफ से ऑयल ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। मजीद इसके बारे में बताते चलें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी स्ट्रिप्स मिल जाती हैं जो कि आपके पाओं पे अच्छी एक ग्रिप कर लेती हैं और बैक फुटरेस्ट के हवाले से हम बता चुके हैं, जो पिलियन है वो यहाँ पे पाओ रख के इसको राइड कर सकते हैं। ये किस चीज के लिए है, इसको जब आपने ओपन करवाना है वो उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इसकी एक जनरल ट्यून अप करवाते हैं, तब आप इसके कवर को यहाँ से ओपन करवाते हैं और इसके जो टैपेट वगैरह जो इंजन का काम होता है, मैकेनिक जो समझते हैं वो इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रंट पे अगर बात कर ली जाए, बहुत ही प्यारी ग्रेसफुल लुक के साथ साथ हमारे पास क्रोम में इसकी फ्रंट के यहाँ पे जो के हॉर्न के ऊपर कवर दिया गया है बहुत ही खूबसूरत है और न्यू एशिया का अपना कंपनी ब्रांड नेम लोगो भी इस पे इंस्टॉल्ड है। इसी के साथ साथ फ्रंट मड गार्ड के ऊपर हमारे पास इसकी क्रोम प्लेटेड फ्रंट पे ये हमें मिल जाती है स्ट्रिप जो कि बहुत ही प्यारी है। और साइड्स की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट बॉडी की जो दोनों साइड्स हैं यहाँ पे भी हमारे पास
क्रोम प्लेटेड हमारे पास इसके साइड जो कवर्स हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। आई रिपीट कि ये मेटल बॉडी में है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है रेमजा स्कूटी के अलावा जो कि मेटल बॉडी में हो, और इसमें 5 to 7 डिफरेंट कलर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं इसके बारे में लास्ट में बताता चलूं कि हमारे पास 5 to 7 डिफरेंट कलर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। 100cc है, फुली ऑटोमेटिक है, पावरफुल इंजन के साथ है, 2 years इसकी फ्रेम वारंटी है, 1 year इसकी इंजन वारंटी है, 6 months इसकी पार्ट्स वारंटी है, और अली खान ऑटो कंपनी से जो भी हमारे भाई इसको परचेज करेंगे उनके लिए 6 months फ्री सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी। लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के हवाले से, तो इस टाइम पे जो इसकी मार्केट प्राइस है वो 3 lakh or 3 lakh 5000 रुपीज है, जबकि आप अली खान ऑटो कंपनी पे आके इसको 2 lakh 95,000 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान में जिस सिटी से भी हैं आप इसको हमसे ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, और जिस सिटी में डिलीवर करवाना चाहते हैं डिलीवरी भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 03125740747, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमसे इसकी मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जो कलर्स ऑप्शन आपको चाहिए आप हमसे मंगवा सकते हैं, और आपको जो भी अकाउंट डिटेल्स चाहिए हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको तमाम अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स से इजाजत चाहेंगे, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को अली खान ऑटो कंपनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम।